सर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत फ़ायदा मिला है क्योंकि बाहर कोरोना चलता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि घर वाले यहाँ पे अगर आएंगे उनको बीच में रास्ते में किसी जगह कोरोना हुआ उस वजह से जेल स्टाफ या हम कैदियों को हो सकते हो उनकी वजह से, तो फिर पूरा जेल स्टाफ जेल कैदी कोरोना से लक्षण होगा उनको, तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनको ट्रैवलिंग अलाउ नहीं, ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है यहाँ आने में, और हम बहुत दूर है, 300 किलोमीटर हम दूर रहते हैं कि उसकी वजह से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे हैं घर वालों के साथ। वो बहुत खुश होते हैं। ये बहुत बहुत मेहरबानी डीजी साहब और एसपी साहब की है, उन्होंने ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड किया है क्योंकि हम इसके कोरोना की वजह से इससे पहले भी जो गरीब लोग हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं होता मुलाकात आने में, वो घर से बहुत दूर रहते हैं तो घर वालों से भी दूर हो जाते हैं मुलाकात की वजह से ना होने से। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको बहुत कम पैसे लगते हैं और जेल तक जाना होता है तो जेल के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, तो बहुत खुश हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी यहाँ पे 26 जनवरी से दी गई है। ये चीफ सेक्रेटरी जे एंड के स्टेट ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बेसिकली इस नीयत से लगाया गया था कि कुछ गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैवलिंग का खर्चा और होटलों में रहने का खर्चा, दूर दराज से आते हैं तो उनका खर्चा बच जाए। लेकिन बाद ये में ये काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद साबित हुई और लोग भी आए। लेकिन कोरोना के चलते ये तो एक ब्लेसिंग साबित हुई क्योंकि फिजिकल कंटैक्ट जो था खतरे से खाली नहीं था। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा न सिर्फ हम मुलाकात करवा रहे हैं कैदियों की घरवालों से निरस्त जेल में जाके, और बल्कि कोर्ट हियरिंग्स भी इसी थ्रू हो रही हैं। तो अभी तक इसी की वजह से हम कोरोना फ्री जेलें हैं जे एंड के की, और इसके अलावा हमने टेलीफोन फैसिलिटी जो पहले से लगी है उसको भी रिलैक्स या लिबरलाइज किया है। तो इस वजह से कैदी भी खुश हैं और संतुष्ट हैं और इनके घर वाले भी, और हमें यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट न होने की वजह से हम भी कोरोना मुक्त फील करते हैं। तो और क्या प्रोसेस रहता है सर, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कैसे बातचीत? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैं आपको बता दूं कि जिस जगह से भी कोरोना ये कैदी बिलोंग करता है वाले नियरेस्ट जेल में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुलाकात करनी, तो वो कंसर्न जेल उस जेल से कांटेक्ट करते जहां वो कैदी रह रहा है। तो वो स्लॉट लेके टाइम लेके फिर कम्युनिकेट किया जाता फैमिली को, और उसके थ्रू फिर मुलाकात हो जाती है उस दिन उस स्लॉट के टाइम में। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुलाकात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके अलावा फोन से भी मिलता है? फोन पहले थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, जो उन्होंने दो टेलीफोन नंबर फैमिली मेंबर्स के जो प्री वेरीफाइड हम करते हैं फिर वो फ़ोन कॉल कर सकते हैं घर वालों को। लेकिन कोरोना के चलते कुछ फॉर्मेलिटीज़ में रिलैक्स किया गया है फॉर द टाइमिंग। अभी भी वो ब्लड रिलेशन को ही फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन फ़िलहाल हमने टाल दी है और टेलीफोन वो डेली कर रहे हैं। कोरोना से पहले हमारी टेलीफोन की जो संख्या थी या फ्रिक्वेंसी थी वो तकरीबन 60 या 70 फोन दिन में होते थे अपने घरों को, लेकिन कोरोना के चलते 125 और 150 तक ये फिगर चला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फिजिकल मुलाकात या फिजिकल कोर्ट हियरिंग में हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया और तंग नहीं किया, और इन्हीं दो फैसिलिटीज से ये फ़ायदा उठा रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं। नहीं, इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि घर वालों से मुलाकात या फैमिली कॉन्टैक्ट इनका बुनियादी इंसानी हक है, और कोरोना के चलते ये और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, वरना ये बहुत डिमोरलाइज हो जाते और इनको जहनी तनाव इनका बढ़ जाता है। जो जहनी तनाव इस वक्त इनका पूरी तरह से कंट्रोल और बैलेंस्ड है, और ये सेटिस्फाइड है इन फैसिलिटीज से।